दोस्तों, अगर आपने कार स्टंट्स सिर्फ मूवीज और वीडियो गेम में देखे हैं, तो भी आपको अंदाजा होगा कि ये कितने ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। यानी कि हल्की सी चूक आपको मौत के कगार पर खड़ा कर सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ड्राइवर्स इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि वो किसी तरह से कार चलाने में पीछे नहीं हटते। अब जैसे कि आप हमारी आज की इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपको एक से एक टॉप लेवल के ड्राइवर दिखेंगे जिनकी ड्राइविंग स्किल को देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर देना। ड्राइविंग इन रिवर्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स ड्राइविंग की। अब रिवर्स ड्राइविंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको पीछे देखना पड़ता है और हल्की सी भी चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो जैसे इसमें महारत हासिल करके बैठे हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे देश में मिल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरप्रीत देव की, जो एक दो सालों से नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से रिवर्स ड्राइविंग कर रहे हैं। और अब तो हाल ये है कि ये हर जगह रिवर्स ड्राइविंग करके ही जाते हैं। दोस्तों, असल में रिवर्स ड्राइविंग ये एक हादसे के बाद सीखे, क्योंकि एक बार ये ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए और इन्हें जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना था। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये रिवर्स ड्राइविंग करके मुड़ जाएंगे तो ये जल्दी पहुंच सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने रिवर्स ड्राइविंग की। और रिवर्स ड्राइविंग करते करते ये अपने घर पहुंच गए, और तब इन्हें समझ में आया कि ये बहुत अच्छे से रिवर्स ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी कार को ठीक करके उसमें 4 रिवर्स गियर भी लगवाए और खाली एक फॉरवर्ड गियर लगवाया। तब से लेकर आज तक ये रिवर्स ड्राइविंग ही कर रहे हैं। इसी रिवर्स ड्राइविंग के चलते इन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। एक्सट्रीम टायर चैलेंज। वैसे तो सऊदी अरेबिया लगातार अपने रिच और रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर वही रॉयल लोग अपने हैरत अंगेज करतब दिखाने से पीछे नहीं हटते। वहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के स्टंट करते हुए मिल जाएंगे, जिसमें सबसे फेमस स्टंट 2 पहियों पर गाड़ी चलाना है। जी हाँ, इसमें ये लोग कार को दूसरी तरफ 2 पहियों पर टिका लेंगे और फिर उस पर न सिर्फ गाड़ी चलाएंगे बल्कि लटक कर अपने उस बेवकूफ़ी भरे काम का डंका बजाएंगे। अब ये चीज़ देखने में भले ही काफ़ी सरल लगती हो, लेकिन हम आपको बता दें, ऐसा करना मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन कार तो 2 पहियों पर चल जाएगी, लेकिन जब आप इसे वापस 4 पहियों पर बैलेंस करेंगे तो ये उछल कर डिसबैलेंस भी हो सकती है, जिससे काफ़ी सारा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग तो इससे एक लेवल अप जाने में लगे रहते हैं, जहां वो न सिर्फ 2 पहियों पर गाड़ी चलाते हैं बल्कि उन 2 पहियों पर गाड़ी को चलाते चलाते उसका टायर भी एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें कब क्या हो जाए, इसका इन्हें भी अंदाजा नहीं है। नैरो वेस्ट 2 व्हील्स। दोस्तों, 2 पहियों पर जब कार चलती है तो किसी को भी ये नज़ारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन तब क्या हो जब कार को बिल्कुल सीधा 328 फुट लंबे और 31 इंच चौड़े प्लेटफॉर्म पर टेढ़ा करके चलाना हो। हमें पता है ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी भी खतरनाक चीज़ से नहीं डरते। और इसी तरह से चाइना के 3 लोगों ने इस खतरनाक स्टंट को करने का बीड़ा उठाया, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टंट को पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ, और वो कोई और नहीं बल्कि ली लॉन्ग्स थे। ये चाइना के ऐसे ड्राइवर हैं जो अपने ड्राइविंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जब इन्होंने इस शानदार स्टंट को करके दिखाया तब तो मानो वो एक सुपरस्टार बन गए। इन्होंने न सिर्फ बेहतरीन स्टंट करके दिखाया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। डेंजरस बस रूट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी भी पहाड़ों पर ड्राइविंग तो छोड़िए, किसी गाड़ी पर बैठकर सफ़र भी किया है, तब भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि पहाड़ों पर ड्राइविंग करना कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि न सिर्फ वहाँ की सड़कें पतली होती है बल्कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा मोड़ भी होते हैं, जिस वजह से ये समझ नहीं आता कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी कारण पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय एक छोटी सी चूक न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ बैठे सभी लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन कुछ लोगों को कहाँ किस चीज़ से डर लगता है, वो तो इन खतरनाक पहाड़ों पर ऐसे ड्राइविंग करते हैं जैसे कोई पहाड़ नहीं बल्कि नॉर्मल रोड हो। अब जैसे कि आप इंजन आपसे मिलिए, इनका नाम ग्लोरियो है और ये पिछले 50 सालों से जानलेवा पहाड़ों पर बस चला रहे हैं। जी हाँ, ये हर रोज पैसेंजर बस चलाकर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन इनके 50 साल के एक्सपीरियंस में इन्हें और ना ही इनके किसी यात्रियों को कोई भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जो कि इनकी काबिलियत साफ साफ दर्शाता है। कार बैरल रोल। अब आप मिलिए कार स्टंट की दुनिया के एक अनोखे शख्स से, जिसके आगे अच्छे अच्छे स्टंट करने वाले पानी मांगते हैं। जी हाँ, अपनी फील्ड के बेताज बादशाह, जिनका नाम टेरी ग्रांट है।
इन्होंने कार स्टंट में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और इनके स्टंट इतने ज्यादा हैरतअंगेज और खतरनाक होते हैं कि इन्हें देखने वाले की सांसें रुक जाती है। और इनका एक ऐसा स्टंट था जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, और वो स्टंट कोई और नहीं बल्कि बैरल रोलिंग था। क्योंकि बाइक से बैरल रोलिंग तो हमने कई लोगों करते हुए देखा है, जिसमें बाइक को पूरी तरह से घुमाकर वापस खड़ा करना होता है, लेकिन कार से बैरल रोलिंग आज तक नहीं हुई। और जब टेरी ग्रांट ने जगुआर कार से शानदार स्टंट को करके दिखाया तो देखने वाले देखते ही रह गए। इस खतरनाक स्टंट में कार को पूरी तरह से 360 डिग्री में घुमाकर वापस सीधा खड़ा करना होता है, जिसको मात्र देखने भर से इंसान के पसीने छूट जाते हैं। उस बेहद ही जानलेवा स्टंट को इन्होंने करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। ट्रक जंप, ये तो पक्की बात है कि आप लोगों ने बहुत ही तरह के जंप देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ट्रक जंप देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा इस पर नजर डालो, जहां पर ग्रेग गॉडफ्रे नाम के एक ड्राइवर ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखने वाला हैरानी हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपने ट्रक को 166 फीट की ऊंचाई से जंप करवाया, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने ट्रक जंप करके सभी को हैरान कर दिया था, जहां पर इन्होंने 83 फीट की ऊंचाई से जंप लगाया था, लेकिन इस बार तो इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाकई अच्छे अच्छे को चौंका कर रख सकता है। फास्टेस्ट स्लालोम, अगर बात करें शानदार स्टंट की तो ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि बचपन में हर किसी को साइकिल लहराना बड़ा पसंद है, और तब ये डर भी नहीं लगता था कि हम उससे गिरेंगे या नहीं। ठीक इसी तरह आज का हमारा स्टंट है, यहाँ पर साइकिल नहीं बल्कि कार को लहराते हुए ले जाना है। लेकिन यहाँ पर कार को लहराने का मतलब ये नहीं कि आप कार को किसी भी तरह से घुमाकर आगे बढ़ा देंगे, जी नहीं। यहाँ पर कार स्लेलम मतलब होता है आप कार को पूरी तरह से एक ही मोमेंट में आगे बढ़ाएं, जिसे चाइनीज रेसिंग ड्राइवर जिया कियांग ने इतनी तेज स्पीड में किया कि इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। वैसे तो ये कई बार कार स्टंट करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा भी चुके हैं, लेकिन इनका ये रिकॉर्ड वाकई बहुत ज्यादा अनोखा था, जिसमें इन्होंने चाइना के एयरपोर्ट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे 50 पोल को केवल 48.11 सेकंड में पार करके सभी को चौंका दिया। हाइड्रो प्लानिंग, आप लोगों ने फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो सुना होगा, और इसके बारे में ये भी आपको पता है कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने फॉर्मूला ऑफ रोड के बारे में सुना है? क्योंकि आइलैंड के कुछ इलाकों में पानी के ऊपर कार चलाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारी मात्रा में लोग आते हैं और इस रोमांचक खेल का आनंद उठाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जंगल का अपना एक राजा होता है, वैसे ही इस स्पोर्ट्स में भी एक महारथी शामिल है जो इतने बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाता है कि उसे देखने के लिए हर कोई इस खेल को देखने ही चलाता है। इसका नाम है मिस्टर ग्रिमसन, जिन्होंने सन 2014 में 1600 हॉर्स पावर की बगी को 1001 फीट लंबाई तक पानी के अंदर चलाया। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इन्होंने 44 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इस खतरनाक स्टंट को पूरा किया, और ऐसा करने के बाद ये इस फील्ड के राजा बन गए। पर हम आपको बता दें, इस तरह से पानी के ऊपर कार चलाने के लिए आपको स्पीड का काफी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, वरना कार पानी के अंदर फंसकर डूब भी सकती है। इसी कारण गलती से भी इस खेल को आजमाने की कोशिश मत करना। जेंट स्पीड बम्प, ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि लैंड रोवर अपनी कारों का प्रमोशन बहुत अच्छे से कराते हैं, और इस बार इन्होंने अपनी कार को प्रमोट करने का अलग ही तरीका आजमाया, और उस चौंका देने वाले आइडिया में इन्होंने साउथ अफ्रीका की सड़कों पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा दिया, और इसके बाद वहां मौजूद लोगों से ये कहा कि वो स्पीड ब्रेकर को पार कर ले और अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। लेकिन ऑडियंस में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कोई भी इस बड़े से स्पीड ब्रेकर को पार नहीं कर पा रहा था, और सभी लोग इस स्पीड ब्रेकर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी लैंड रोवर ने अपना जादू चलाने की सोची, जिसके बाद लैंड रोवर कार को बड़े से स्पीड ब्रेकर को पार करके दिखा दिया, ताकि हर कोई देख सके कि कैसे लैंड रोवर बड़े से बड़े हार्डल को पार करके आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। जिमखाना 9, अब जिन लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कार चलाना बड़ा पसंद है वो मौका मिलते ही स्विंग करके खुश हो जाते हैं, उन्हें हमारा ये ड्राइवर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम मिलिए आप ब्लॉक केन से, जो कार को बिल्कुल तेज रफ्तार में ले जाकर इतने बेहतरीन तरीके से स्विंग करते हैं कि देखने वाला देखते रह जाए, क्योंकि इनका तरीका नॉर्मल लोगों से बिल्कुल हटकर है और ये हर मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर स्विंग कर सकते हैं। हालांकि चीज देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसे करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, ताकि ये किसी भी जगह पर जाकर अपनी कार को इतने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ स्विंग कर पाए बल्कि उसे पूरी तरह से गोल घुमाकर रोक भी सके। और ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस से आती हैं, जो इन्होंने भरपूर मात्रा में की है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।